टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तोशा की तरफ से रखा हुआ था ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें हमारे सोसाइटी के काफ़ी लोग आए। ये हमारे शैलेश भाई, शरद, हमारे यहाँ के जो लोग हैं हमारे ग्रेस सोसाइटी के, उन्होंने आके अपना ब्लड डोनेट किया है। और क्या है, ब्लड डोनेशन कैसा है कि कहीं हो नहीं सकता, लोगों को खुद से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता है, अपना खून देना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे कैंप लगते हैं सब जगह, तो लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अपना ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ताकि आप अपना खून डोनेट करोगे तो किसी की ज़िंदगी बचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ने जब से ये टोटल ट्रस्ट चालू किए है, रमज़ान से हमारी बुनियाद हुई है। पहले यहाँ पे आप लोग को पहले हमने यहाँ बुलाया, फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कोकन भी गए, रिलीफ किए। अब हमारा काम ये है, आज हम लोग ने सोचा, हमारी टीम ने, तो ब्लड कैंप करेंगे, मेडिकल कैंप रखेंगे सोसाइटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी रख दिए और अच्छा रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। और पहला डोनेट मैंने ही किया हूँ, और उसके बाद हमारे नियाज भाई है। कैंप लगाया गया था, तो क्या जो पेशेंट यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, इस तरह की मरीज हैं, क्या बीमारियाँ उनमें ज़्यादातर पाई जा रही हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर सुमैया हूँ ऑर्थो न्यूरो केयर सेंटर से, और यहाँ पे हम लोग ने जॉइंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है, उसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस है। आजकल यंग जनरेशन में भी काफ़ी पाया जा रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं। और ये तोशा ट्रस्ट ने जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी अच्छा काम है, एंड आई रियली अप्रिशिएट उन्होंने ये किया, और आगे भी हम लोग ऐसे ऐसे कैंप में जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आपने लोगों से? हमारी यही अपील रहेगी, ब्लड डोनेट करना पहली बात तो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद तो है, साथ में हमारी खुद की बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारा खून फिल्टर हो जाता है, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे खुद के लिए है, और उससे दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ऐसा कुछ अभी तक तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं आया कि ब्लड डोनेट करने से हमारे जिस्म को कोई तकलीफ़ होती है। तो मेरी तो यही अपील रहेगी लोगों से कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 350 ml खून निकलता है, जो कि हमारे जिस्म का सिर्फ 5-10% है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है।